अरे जिस देश में प्रधानमंत्री जी की डिग्री का पता नहीं है वहां पर आप लोगों की पैदाइश का सर्टिफिकेट मांगते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। ये दूध का पाउडर चाट कर पैदा हुए ये गोरक्षक गाय के नाम पर मुस्लिमों और दलितों की हत्या करते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से हमें टारगेट किया जा रहा है, हमें चुन चुन कर मारा जा रहा है। साथ ही आज कश्मीर है, कल आप होंगे, कल हम होंगे। इस जुल्म के साए में जुबा खोलेगा कौन? हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन? भारत माता की जय के नारे लगाने वाले लोग ना महिलाओं की, ना बहुओं की, ना बेटियों की, किसी की इज्जत नहीं करते। इस तरह से इस बहुरंगी भारत को एक पर्टिकुलर रंग में, एक हिंदुत्व के रंग में, एक भगवा रंग में रंगने की कोशिश की जा रही है। कुमारी भारत माता एक हमारी, इन्हें सिर्फ वहाँ की महिलाएं चाहिए, वहाँ की जमीनें चाहिए। स्पीकर योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैं यहाँ पर तमाम लोग जो मौजूद हैं उनका हार्दिक इस्तकबाल करती हूँ और आपको सतरंगी सलाम पेश करती हूँ। ये समाजवाद की राजनीति की धारा की खूबसूरती है कि एक बहुजन समाज की बेटी यहाँ पर अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए खड़ी है। अपनी बातों को शुरू करने से पहले, जो ब्राजील में अमेजन के जंगलों में आग लगी है, जिसे लंग्स ऑफ प्लैनेट भी कहा जाता है, वहां पर जिस तरह से अमेरिकी साम्राज्यवादी ताकतें लगी है उसे लूटने में, हम उसका इस मंच से कड़ी निंदा करते हैं। मैं बिरसा और जयपाल मुंडा की मानस पुत्री और किसान की बेटी, वहां के किसानों और आदिवासियों के बिहार, आसाम और केरल में जिस तरह से लोग बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा से पीड़ित हैं, उनके इस विपत्ति की घड़ी में मैं, मेरी पार्टी और मेरा पूरा संगठन उनके साथ खड़ा है। आज आप देख रहे हैं किस तरह से एनईपी के नाम पर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर शिक्षा का बाजारीकरण किया जा रहा है। जाएंगे, हमारी अज्ञानता ही इनका ज्ञान है। प्राइवेटाइजेशन आरक्षण और सामाजिक न्याय विरोधी है। अगर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का प्राइवेटाइजेशन हुआ, निजीकरण हुआ, तो वहां आरक्षण लागू नहीं होगा। बिना सभी वर्गों की भागीदारी के ना तो ये समाज, ना देश और ना यहां की संस्थाएं लोकतांत्रिक बन पाएंगी। फातिमा शेख वीरांगना फूलन को याद करते हुए संस्थागत हत्या जो पायल तदवी की गई उसकी कड़ी निंदा करती हूं और उन जातिवादी हत्यारों डॉक्टरों को चुनौती देती हूं कि अगर आगे से किसी भी बहुजन समाज की बेटी महिला के इज्जत स्वाभिमान और सम्मान को कुचलने की कोशिश की गई तो हम उसका जवाब वीरांगना फूलन के अंदाज में देंगे। छुपा नहीं है, ये हम भी इसे अछूते नहीं, आप भी इसे अछूते नहीं कि किस तरह से इस बहुरंगी भारत को एक पर्टिकुलर रंग में, एक हिंदुत्व के रंग में, एक भगवा रंग में रंगने की कोशिश की जा रही है। मॉब लिंचिंग की एक नहीं संस्कृति इस कैंपस में, इस पूरे देश में गढ़ी जा रही है, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। दूध का पाउडर चाट कर पैदा हुए ये गोरक्षक गाय के नाम
सियासी के नाम पर जो लोग सीना चौड़ा करके घूम रहे हैं, मेरा उनसे सवाल है, साथी आपने जो कश्मीर में किया वो किस डेमोक्रेसी का उदाहरण है? बारूद के ढेर में कश्मीरी आवाम को रखने की इनकी कवायद जारी है। हमारे लिए कश्मीर भूगोल के मानचित्र का एक खंड मात्र नहीं है, वहां की कश्मीरी आवाम हमारी है। ये लोग नारा लगाते हैं, भारत माता कश्मीर से कन्याकुमारी, भारत माता एक हमारी। इन्हें सिर्फ वहां की महिलाएं चाहिए, वहां की जमीनें चाहिए। साथी आज कश्मीर है, कल आप होंगे, कल हम होंगे। इस जुल्म के साए में जुबा खोलेगा कौन? हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन? वंचितों और अकलियतों को द्वैम दर्जे का नागरिक बनाने की साजिश की जा रही है। आप देख रहे हैं किस तरह से सोनभद्र में आदिवासियों का नरसंहार हो जाता है। उन्मादियों को सत्ता का संरक्षण मिल रहा है। लेजिस्लेचर से लेकर जुडिशरी तक एक नेक्सस है। ये 10% EWS आरक्षण भी इसी का उदाहरण है। आप हमें बताइए, मंडल कमीशन 1990 में आता है और इसे लागू होने में 2 दशक लग जाते हैं, लेकिन EWS रातों रात लागू हो जाता है। जिस तरह से इस देश में संतोषी नाम की बच्ची भात भात कहते हुए मर जाती है, वहां इन अठलखिया लोगों को गरीब करार दे दिया जाता है। ये किस तरह की गरीब है साथी, आप हमें बताइए। हम चाहते हैं यहाँ भारत माता की जय के नारे लगे, लेकिन साथ में घर घर भात पहुंचे इसकी भी चिंता होनी चाहिए। तमाम तरह के कम्युनिस्ट प्रोफेसर होने के बावजूद या इस कैंपस में ओबीसी प्रोफेसर की संख्या 0 है। अरे जेएनयू छोड़िए, किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक भी ओबीसी प्रोफेसर नहीं है। आखिर क्या वजह है, आखिर क्या वजह है कि नवासी सेक्रेटरी में केवल 3 दलित और आदिवासी है, वहां भी ओबीसी की संख्या 0 है? क्योंकि यहाँ पर तमाम तरह के द्रोणाचार्य बैठे हैं, हम पर NFS का नॉट फाउंड सुटेबल का ठप्पा लगाकर हम जैसे एकलव्यों का अंगूठा काटने के लिए। आप देखते हैं किस तरह हम लोगों ने, चाहे वो 13-point रोस्टर का मामला रहा हो, चाहे वो वाइवा में मास्क हटाने का मामला हो, हमारा संघर्ष पे शुरू से रहा है और आगे भी करेंगे। वसुदेव कुटुंबकम की इस धरती पर किस तरह से NRC लगाकर एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है? अरे जिस देश में प्रधानमंत्री जी की डिग्री का पता नहीं है, वहां पर आप लोगों की पैदाइश का सर्टिफिकेट मांगते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। ये सावरकर से लेकर जोशी तक की कैसी परंपरा रही है कि आप एक तरफ भारतीय संस्कृति के नाम पर एंटी रोमियो स्क्वाड चलाते हैं और वहीं दूसरी तरफ आप नाबालिगों का शोषण करते हैं। भारत माता की जय के नारे लगाने वाले लोग ना महिलाओं की, ना बहुओं की, ना बेटियों की, किसी की इज्जत नहीं करते। कुलदीप सेंगर, पूर्व राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद, पूर्व केंद्रीय मंत्री निहाल चंद किस एकता का मॉडल पेश कर रहे हैं? भागवत जी, पहले आप सौहार्दपूर्ण माहौल में इनकी समीक्षा कीजिए, आरक्षण की समीक्षा बाद में होगी। जेंडर जस्टिस के नाम पर वोट बैंक भरने वाले लोगों से मेरा एक सवाल होगा, SFI की साथी मेरे सवाल का जवाब दे। जो महिला रिजर्वेशन पर BJP का स्टैंड है, वो CPI और CPM का भी क्यों है? क्या आपके फेमिनिज्म के, नारीवाद के ढांचे में एक हेलिन, चमोलिन, मोलिन, धोबिन कोई भी नहीं आती? क्या आपके इस ढांचे में एक दूध बेचने वाली, मैला ढोने वाली नहीं आती? अगर आपके इस ढांचे में अगर ये लोग आते हैं तो आपको कोटा विदिन कोटा से इतनी दिक्कत क्यों है? यही सवाल मेरा लहेगा NSUI के साथी के साथ। JNU कैंपस में फंड कट क्यों है? लाइब्रेरी फंड कट क्यों है? ये फंड राज कब तक रहेगा? आप हेल्थ सेंटर में जाइए, पेट में दर्द, गले में दर्द, सिर में दर्द, कान में दर्द, सिर्फ पैरासिटामोल ही क्यों है? GS कैश को खत्म कर दिया गया। इन सभी सवालों पर मेरे ABVP के साथ ही प्रकाश डालेंगे, इसकी मैं उम्मीद करती हूँ।
इस देश में आरक्षण, इस देश की अर्थव्यवस्था तबाह की जा रही है, जीडीपी